हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले के वीडियो में 10.3 में यूज होने वाले हर एक फार्मूले को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके थे और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था जो कि 10.3 का ही था। ठीक है, तो चलिए आज 10.2 के एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। और जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस सेशन को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं और फोकस के साथ देखते हैं तो ये श्योर है, गारंटी है कि आपको हर एक क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस आप क्या करना है कि इसको थोड़ा शुरू से, ठीक है, शुरू से ध्यान से देखिएगा। इससे पहले के लेक्चर अगर आप नहीं भी देखे होंगे तो वो ये क्लास खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इस सेशन का है, 10.3 का पहला क्वेश्चन ये है कि दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः अंडर रूट 3 / 2 है और सदिश ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल है वो कितना है, √6 है। तो सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या लिखा हुआ है, दो सदिश दिया हुआ, क्या दिया हुआ, दो सदिश हमको दे रखा, दो सदिश ए और बी, इनके परिमाण दे रखा, यानी कि मॉड ऑफ ए बराबर कितना दे रखा, √3। ठीक, और क्या दिया है, मॉड ऑफ बी बराबर कितना दिया है, 2, और ए डॉट बी दे रखा है कितना है, √6। पूछ क्या रहा है, इनके बीच का कोण यानी कि थीटा पूछ रहा। अब यहां पे ध्यान दीजिए, दिया क्या है, अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल का फार्मूला लगाओ क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ए मॉड बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थीटा बराबर, आप चाहे इसको फार्मूले के तौर पर याद रख लीजिए, जहां पे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए तो चाहे आप इसको फार्मूले के तौर पर याद कर लीजिए, डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर लीजिए या एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक, चलिए अब यहां पर मान रखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, ए डॉट बी का मान कितना है, √6, तो इसकी जगह यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू √6 बटे नीचे क्या है, √3 × 2। अब कुछ कैंसिल हो रहा, √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × 2, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 लिखा जा सकता है ना, बटे √3 × 2। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, √3 × √2 बटे √3 और इंटू √2, सॉरी ये लिखा जा सकता है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अरे भाई √6 है तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। देखिए 6 है तो 6 को तो हम 3 × 2 लिख ही सकते हैं और अगर इस पे अंडर रूट लगा है तो इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि √3 × √3 भी लिखा जा सकता है, सॉरी ठीक है √3 × √2 भी लिखा जा सकता है। आई बात समझ में, ठीक, तो सेम उसी फार्मूले से। अब यहां पे देखो कुछ चीजें बेटा कैंसिल हो रही हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दो, ये कैंसिल हो रहा, ठीक है, मिला क्या हमको, हमको मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू √2 / √2 / 2। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 / 2। ठीक है, यानी कि √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो रूट अपने आप हट जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक एक स्टेप, इतना बेसिक तो आप लोग को पता ही होगा, ये सारी चीजें क्लास 10th की हैं। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 1 / √2, क्या बचा, 1 / √2। ठीक है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 √2। ठीक, तो cos कितने का मान, 1 / √2 होता है, 45° का। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos π / 4।
कॉस पाई बाई फोर। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू, ये इंप्लाइज किया थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई फोर। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई फोर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब ये अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम एक मिनट का सवाल है। ठीक है, एक मिनट का सवाल है, आपको समझाने में ये इतना ज्यादा समय लगा, और इससे पहले बीच के कोण वाले जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग इससे पहले के वीडियो में भी सॉल्व कर चुके होंगे, तो आई होप किसी को तो दिक्कत नहीं होगी। एक बार देखिए, जितने भी बच्चों को नहीं समझ में आया है एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। इसमें क्या पूछ रहा, सदिश ए और बी के बीच का कोण पूछा। ठीक, सदिश ए और बी के बीच कोण, ए का परिमाण दे रखा हमने लिख लिया, बी का परिमाण दे रखा हमने लिख लिया, और इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल दे रखा वो भी मैंने लिख लिया। पूछ रहा है इन दोनों के बीच कोण, ठीक, तो क्या दिया, अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल वाला सीधा सीधा फार्मूला लगा दिएगा, ये आपके अदिश गुणनफल का फार्मूला होता है। ठीक है, तो फार्मूला लगा दिए, तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज इसके साथ गुणे हमें दूसरी साइड जाएगा, भाग में हो गया। ठीक, अब सबका मान रख के सॉल्व कर लिया गया, सॉल्व करने के बाद 1/√2 आया। ठीक, और 1/√2 कॉस कितने का मान होता है, 45 अंश का। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, जल्दी बोलो क्लियर है सभी का। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए अगले सेशन पर। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपका सदिशों, अब देखो दो सदिश यहां पे दिया हुआ। ठीक है, ये सदिश फॉर्म में दे रखा है, तो एक को सदिश ए मान लो, इसको हमने मान लिया सदिश ए, i कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक है, और दूसरे को सदिश बी मान लो, दूसरे को हमने सदिश बी मान लिया, i कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप मान लिया। अब फिर इनके बीच का कोण पूछ रहा, क्या पूछ रहा, इनके बीच का कोण। तो कोण निकालने के लिए अभी अभी देखिए, अभी जस्ट हमने एक कोण ही निकाला था, तो वहां पर देखो एक फार्मूला बन के आया था, देखो cos थीटा इक्वल टू क्या, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b। तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो यानी कि कोण निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो cos थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है सदिश a डॉट सदिश b अपॉन मॉड ऑफ सदिश a इनटू मॉड ऑफ सदिश b। ठीक है, मॉड ऑफ सदिश a इनटू मॉड ऑफ सदिश b, तो यानी हमें क्या क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो हमें तो सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। ठीक, फिर क्या चाहिए, इन दोनों का परिमाण चाहिए, तो परिमाण निकाल लो, मॉड ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आई का गुणांक कितना एक, तो एक का वर्ग एक, जे का गुणांक कितना माइनस दो का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा चार, तो प्लस चार। ठीक है, के का गुणांक कितना तीन, तीन का वर्ग करोगे नौ, कितना आ गया अंडर रूट 14, कितना आया अंडर रूट 14। इसी तरीके से आप मॉड ऑफ बी निकालोगे कितना आएगा अंडर रूट, ये भी आपका जो है 9 + 4 + 1 यानी कि रूट 14 आ गया, रूट 14 आ गया। ठीक, और a डॉट b, a डॉट b निकालोगे कितना आ जाएगा, देखो a डॉट b अगर निकालोगे कितना हो जाएगा, i कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप इंटू v का मान कितना है 3 i कैप माइनस टू जे कैप और प्लस k कैप। अब देखो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए तो सेम को देखो, आई के साथ यहां कितना तीन, यहां आई के साथ कितना एक, तो तीन और एक गुणा करोगे कितना होगा तीन, जे के साथ कितना माइनस दो, यहां जे के साथ माइनस दो, तो माइनस दो गुणे माइनस दो कितना हो गया प्लस का चार, के साथ यहां तीन है और यहां एक, तो तीन एक के तीन, तो कितना हो गया तीन तीन छह चार दस, कितना आ गया दस। तो अब मान रख लो भाई यहां पर कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, ए डॉट बी का मान कितना आया 10 बटे मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी यानी कि रूट 14, रूट 14, तो दो बार अंडर रूट है तो क्या हो जाएगा 10/√14 इंटू रूट 14, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दो बार लिखा गया ना तो 14 की पावर 2 लिखा जा सकता है ना, तो अब 14 क्या आ गया, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10/14, कैंसिल कर दो, 5 × 5 = 10, 5 × 7 = 14, कितना आ गया कॉस थीटा बराबर आ गया हमारा 5/7, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 5/7। ठीक है, तो ये इंप्लाइज करेगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
आगे बात समझ में? बिल्कुल, फिर से देखो, फिर से समझा दे रहा हूं। क्या है कि दो सदिश दिया हुआ है, ये हमने मान लिया सदिश ए है और इसको हमने मान लिया ये हमारा सदिश क्या है, बी है। ठीक है, इनके बीच कोण पूछ रहा, तो कोण निकालने का ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसे चाहे आप फार्मूले के तौर पर याद रखें, चाहे आप फार्मूले के तौर पर याद रखें, या सीधे सीधे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा जो भी दो सदिश हैं उनके बीच अगर कोण निकालना हो तो सीधे उनका क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी कि अदिश गुणनफल निकाल लो, ये इसका यूज कर लो। ठीक है, तो यहीं से ये फार्मूला निकल के आया है और ये कोई अलग फार्मूला नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात समझ में। तो हमने मान निकाल लिया, हमें चाहिए क्या क्या, मॉड ऑफ ए चाहिए, मॉड बी चाहिए, ए दिया है तो मॉड ए निकाल लिया, वी दिया है तो मॉड बी निकाल लिया, फिर दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, डॉट प्रोडक्ट निकाला 10 आया, मॉड निकाला तो रूट 14 आया, अब बस सिर्फ मान रख के सॉल्व कर लिए गए। ठीक, आई बात समझ में आता, चलिए आगे आते हैं। देखिए जितने भी बच्चे अभी तक बेटा शुभम क्लासेस का आप टॉप 100 बैच अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो अब शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं 9 बजे की क्लास लगी हुई है जिसमें आपकी वन शॉट वीडियो यानी कि क्रैश कोर्स वाला वीडियो अब आपका शुरू हो चुका है। क्रैश कोर्स में आपको वन शॉट वीडियो मिलने स्टार्ट हो गए। जैसा कि मैंने कहा था कि बेटा मंडे से आप सभी को मैंने वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तो मंडे से जो है यानी कि आज जो है आपके वन शॉट का वीडियो आप देख रहे होंगे, 9 बजे लाइव लगा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, लास्ट 3 साल के पेपर मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और 3 मॉडल पेपर भी मिलेंगे। और अभी जो ऐप की प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 799 रुपये, कितनी है 799 रुपये है, और इसमें भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये प्राइस आपका 699 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये कूपन कोड यूज कर लेते हैं संजीव सर तो तुरंत जो है आपको 10% यानी कि 100 रुपये का, ठीक है, 10% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 100 रुपये का तुरंत डिस्काउंट, यानी कि आपका 100 रुपया तुरंत जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चों। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं यही मौका है, आपके क्रैश कोर्स भी शुरू हो चुके हैं तो बेहतर यही होगा कि कोई भी वीडियो आपका छूटने ना पाए। ठीक है, और अगर आप टाइमली क्रैश कोर्स या जो भी बैच है वो ज्वाइन किए रहेंगे तो फिर आपका कोई वीडियो नहीं छूटेगा और आपकी तैयारी अच्छे से चलेगी। ठीक है, और अगर वीडियो छूट जाएगा तो फिर समझ रहे हो बिजनेस बीच में समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए, और ये शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर करने वाले बच्चों की लिस्ट है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, हरिचरण यादव 95, अमन कुमार मौर्य 95, सुमित यादव 94, कीर्ति वर्मा 94, सुंदरम यादव 93, समीर मौर्य, अंजनी कुमार गुप्ता 91 और अस्मित गुप्ता 90% के साथ ये शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़ने वाले बच्चों के परसेंटेज है। तो आप इनके रोल नंबर भी आप गूगल पे जो है सर्च कर सकते हैं, इनका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, कोई भी फेक रिजल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, और अगर किसी को पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, और बेटा सजेशन यही है कि जो अभी तक बैच से नहीं जुड़ा है आप लोग बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सदिश इतने का प्रक्षेप, यानी अगर इसे हम सदिश ए मान लें और इसे सदिश बी मान लें। ठीक है, तो कह रहा है सदिश ए पर बी का प्रक्षेप। ठीक है, क्या कह रहा है, यानी कि आई कैप माइनस जे कैप का आई कैप प्लस जे कैप पर प्रक्षेप निकालना, पर प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप के लिए क्या फार्मूला बताया गया था, हमने कहा था सिंपल, सबसे पहले क्या करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अगर आप इसे सदिश ए मान लेते हैं, ठीक है, और इसे सदिश बी मान लेते हैं, तो फार्मूले के तौर पर प्रक्षेप का क्या फार्मूला बन जाएगा, प्रक्षेप का फार्मूला बनेगा, पहले तो इन दोनों सदिशों का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। क्या निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद जिस सदिश पर पूछा गया है, जिस सदिश पर पूछा गया, किस सदिश पे पूछा गया है, अच्छा इसको हमने ए माना है ना, एक सेकंड गलत लिख दिया बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक, ये आपका सदिश बी है और ये सदिश ए है, देखो इसको हमने ए माना है ना, आई प्लस जे वाले को ए माना। ठीक, तो ये हो गया, अब इतना तो बिना पूछे कर लेना। उसके बाद क्या करना, जिस पर प्रक्षेप पूछा गया, किस पर पूछा गया है, ए पर पूछा गया, तो
मॉड ऑफ ए कर देना, क्या करना है मॉड ऑफ ए कर देना। तो इसी के तहत पहले तीन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि आई कैप माइनस जे कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप बटे इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। देखो प्रक्षेप इसी पर पूछा गया ना, तो जिस पर पूछा जाएगा उसी का मॉड, जिस पर पूछा जाएगा उसी का मॉड, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया, अब डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो इसका इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा, इसका इसमें करोगे कितना आ जाएगा, वन, इसका भी गुणांक वन, इसका भी गुणांक वन यानी आई गुणे आई वन, इसका इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया, और जे इंटू जे वन और बटे इसका, इसका मॉड कितना आ जाएगा वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर यानी कि जीरो बटे रूट टू, जीरो बटे रूट टू, तो प्रक्षेप कितना आ गया जीरो, प्रक्षेप कितना आया जीरो आया, आई बात समझ में, ठीक है। तो किस तरीके से, अच्छा इसका प्रक्षेप जीरो कैसे आया, इसका प्रक्षेप जीरो कैसे आया, इसका प्रक्षेप जीरो कैसे आया, यहां पे देखो ये क्या है आपका आई कैप, ये क्या है आपका जे कैप, ठीक है ये आपका जे कैप। तो आपसे पूछ क्या रहा है, सदिश आई प्लस जे, तो आई प्लस जे यानी जितनी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस आई पे उतनी डिस्टेंस जे पे, यानी इससे के बीच से बिल्कुल जाएगा, ये आपका सदिश आई प्लस जे हो जाएगा। फिर आगे कह रहा इधर होता है आपका माइनस आई और नीचे की तरफ होता है माइनस जे, नीचे की तरफ होता माइनस जे, फिर आई कैप माइनस जे कैप, तो आई कैप प्लस में, आई कैप प्लस में, ठीक है, और फिर माइनस जे कैप इधर, ये साइड ये हमारा हो जाएगा I कैप माइनस J कैप। अब इन दोनों का प्रक्षेप अगर यहां से इसकी दूरी हम निकालेंगे तो दोनों कहां मूल बिंदु पर ही तो हैं, तो प्रक्षेप कितना आएगा हमारा जीरो आएगा, आई बात समझ में। और हालांकि हमें फिगर से देखिए, फिगर आपको मैंने दिखाने के लिए बता दिया कि प्रक्षेप इसका जीरो कैसे आया, ठीक है, प्रक्षेप इसका जीरो कैसे आया ये फिगर मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया, लेकिन यहाँ पे हमें फिगर से मतलब नहीं है, बस मतलब क्या है कि अगर आपको प्रक्षेप निकालना है तो प्रक्षेप का सीधा सीधा बेटा फार्मूला है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का क्या कर लेना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और बटे जिस पर प्रक्षेप पूछ रहा है उसके मैग्नीट्यूड से आप भाग कर दीजिए। तो किस पर पूछा है, इस पर पूछा है, तो इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दिया गया, आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, सदिश इतने का, सदिश इतने पर प्रक्षेप, यानी अगर हम इसे सदिश ए मान लें और यह सदिश बी मान लें, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, इसके अकॉर्डिंग यही ना हुआ, ठीक है, क्या फार्मूला, ए डॉट वी अपॉन मॉड ऑफ किसका मॉड, जिस पर प्रक्षेप पूछा गया, किस पर पूछा गया बी पे पूछा गया, तो बी मॉड ऑफ बी। अब ए डॉट बी, ए का मान कितना है, ए का मान रख लो आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सेवन के कैप अपॉन सेवन आई कैप माइनस जे कैप प्लस एट के कैप बटे मॉड किसका है बी का, यानी कि सेवन आई माइनस जे और प्लस एट के, ठीक है। अब आई का इसके साथ आई का आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई वन सेवन, इसका इसके साथ माइनस थ्री, इसका इसके साथ सात और आठ, आठ सते छप्पन बटे नीचे अंडर रूट, इसका वर्ग उनचास, इसका वर्ग एक, इसका वर्ग चौसठ, आठ अठाई चौसठ, ठीक है भाई, इसका वर्ग उनचास, इसका वर्ग वन, इसका वर्ग चौसठ, कितना आ गया, इसमें से इसको घटाया चार, ऊपर आ गया छप्पन और चार साठ, नीचे हो गया हमारा पचास, पचास और साठ एक सौ दस, एक सौ चौदह अंडर रूट वन वन फोर, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने का मतलब अगर ये कटेगा, ठीक है, अगर ये कटेगा चार से कटेगा, चार दुनिया आठ, नहीं चार से नहीं कटेगा, ठीक है, तो चार से नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चार से कटता तो इसमें से दो बाहर आता था, तीस बटे समथिंग हो जाता, लेकिन अभी चार से कटेगा नहीं, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ यहां तक सभी का क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, बोलो। यहां तक सबका क्लियर है बेटा? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। क्लियर है? चलिए देखो, किया कुछ नहीं गया, बहुत ही सिंपल है। क्या किया गया? ये सदिश है, इस सदिश का, इस सदिश पर प्रक्षेप पूछा गया, तो प्रक्षेप का सीधा सीधा फार्मूला होता है, बिना पूछे क्या करो, जो दो सदिश दिया गया उन दोनों सदिशों का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, यानी कि अदिश गुणनफल। क्या निकालोगे? अदिश गुणनफल। उसके बाद उस सदिश के मैग्नीट्यूड से, यानी उस सदिश के परिमाण से भाग कर दोगे जिस पर प्रक्षेप पूछा गया है। किस पर पूछा गया है? बी पर पूछा गया है, तो मॉड ऑफ बी से हमने भाग कर दिया। ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है, आई बात समझ में? ऊपर तो सेम रहता है, नीचे कभी मॉड ए हो जाएगा, कभी मॉड बी हो जाएगा, और नीचे बदलता कैसे है, इसके अकॉर्डिंग जिस पर होता है वही नीचे होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि दिए हुए तीन सदिश में से प्रत्येक, तीन सदिश में से प्रत्येक मात्रक सदिश है, प्रत्येक मात्रक सदिश है, और मात्रक सदिश की क्या खास बात है, जो मात्रक सदिश होता है, मात्रक सदिश इसका जो परिमाण होता है, मात्रक सदिश का परिमाण जो है वो कितना होता है बच्चों, एक होता है। मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है। तो अगर ये हमारा कोई मात्रक सदिश है, तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं ये सदिश ए, सदिश ए बराबर एक बटे सात टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप। इसको सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, दो बटे सात आई कैप प्लस, भाई सात से भाग है तो सब में भाग होगा, तीन बटे सात जे कैप प्लस छह बटे सात के कैप, ठीक है। अब अगर यह मात्रक सदिश है, अगर ये वाकई में मात्रक सदिश है, तो इसका जो परिमाण होगा वो कितना आएगा, एक आएगा। तो परिमाण, परिमाण निकाल के देखते हैं, अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग, आई का गुणांक कितना, दो बटे सात, तो दो का वर्ग कितना हो जाएगा चार, सात का कितना हो जाएगा उनचास, ठीक है, प्लस इसका तीन का नौ बटे उनचास, प्लस छः का कितना हो जाएगा, छः का हो जाएगा छत्तीस, उनचास का हो जाएगा, सात का हो जाएगा उनचास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ ए, मॉड ए बराबर अंडर रूट, नीचे सब उनचास ही उनचास है, हर बराबर है, अंश आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि उनचास चार प्लस नौ प्लस छत्तीस, ठीक है, छत्तीस चार, छत्तीस चार चालीस, चालीस नौ उनचास, ठीक है, तो कितना हो गया उनचास बटे उनचास बराबर कितना आ जाएगा, एक, कितना आ गया, यानी कि मॉड ऑफ ए बराबर क्या आ गया, एक आ गया। अतः सदिश ए, सदिश ए कितना हमारा, सदिश ए कितना है, वन अपॉन सेवन टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप मात्रक सदिश है, क्या है, मात्रक सदिश है। अब बाकी के दोनों इसी तरीके से निकाल लोगे, इसको बी मान लो, इसको सदिश बी मान लो, इसको सदिश सी मान लो, तो सदिश जब मॉड ऑफ बी निकालोगे, इसका भी मान एक आएगा, इसको भी मान लो, इसको सी मान लो, तो जब आप मॉड बी निकालोगे तो ये भी एक आएगा, और मॉड सी निकालोगे तो ये भी एक ही आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आएगा। और देखा जाए निकालने की जरूरत ही नहीं है, गुणांक चेक कर लो, तीन तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, छः, जो गुणांक इसके है यही गुणांक इसके भी हैं, बस क्रम आगे पीछे, क्रम क्या है, आगे पीछे है, सिंपल, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आएगा निकाल के। लेकिन आप लोग वैसे नहीं लिखोगे, हम आपको यहाँ पे देख के बता दे रहे हैं कि ये आपका मात्रक सदिश है, आप लोग निकालोगे, ठीक है, तो बाकी दोनों हो जाएगा बच्चों, बोलो हाँ या ना।
हो जाएगा ना। तो इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आसान ही हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, अब क्वेश्चन नहीं है इसमें, चलिए तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको बारी बारी से करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बी वाला आप चेक करते हैं हम लोग। सदिश बी कितना दे रखा है, 1/7, कितना है 1/7, 3i-6j और +2k, तो 3i-6j और +2k। ठीक है, तो अब इसका परिमाण निकाल लो पहले तो इसको, ये कितना हो जाएगा 3/7 आई कैप -6/7 जे कैप +2/7 k कैप। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसका मॉड निकाल लो, मॉड ऑफ बी अगर निकालोगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका वर्ग 9/49 प्लस इसका 36/49 प्लस इसका 4/49। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया हमारा, सबको ऐड कर लो, 49, 9 + 36 + 4, तो फिर वही चीज 36, 4, 40 और 9, 49, तो 49/49। ठीक है, बराबर कितना गया, 1 आ गया। ठीक है, अतः जो हमारा सदिश B है ये क्या है, मात्रक सदिश है। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, C को भी निकालना है। ठीक है, इसी प्रकार C वाला भी आपको निकालना है, वो भी आपका क्या आएगा, मात्रक सदिश आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक, तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे जो हमारा C है ये भी क्या आएगा, C भी मॉड C भी हमारा 1 आएगा। ठीक है, अतः तीनों सदिश मात्रक सदिश है। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, इन 5 क्वेश्चन में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। तो अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है कम से कम 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका होमवर्क है, ये इतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आइएगा। जो नहीं आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर, जैसे मान लो 7वां नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख दीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, इसी तरीके से आप क्या करिए, इन सभी क्वेश्चन को ट्राई करिए, जो नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए, और जितने भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं सभी लोग बेटा शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी प्राइज आपका सबसे कम मिनिमम प्राइज है 799। ठीक है, और इसमें भी अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तो ये प्राइज आपका 699 हो जाएगा, 799 की जगह 699। कूपन कोड है आपका संजीव सर। ठीक है, अगर बेटा ये कूपन कोड आप यूज करेंगे तो आपको तुरंत 100 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 100 रुपये आपका कम हो जाएगा, 100 रुपये ऑफ। और जैसा कि मैंने कहा था क्रैश कोर्स के अंदर आपको मंडे से वन शॉट वीडियो मिलेगा, तो 9 बजे, ठीक है, आपकी वन शॉट वीडियो है 9 बजे, वन शॉट वीडियो। ठीक है, वन शॉट वीडियो आप सभी लोगों का है, तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग 9 बजे तैयार रहिएगा। ठीक है, इसमें आपका चैप्टर नंबर 3 जो है विद्युत धारा उसी का वन शॉट है। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर कल, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ओके, थैंक यू।